आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो। जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो। हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम वरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, एनडीए गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? मोदी